आप सबका वेलकम है मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप कैलोप की तरफ फ्लावर्स को कैसे ग्लो कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम टाइम में, इजी वे में। आपको थोड़ा बेसिक फोटोशॉप आना चाहिए चलाना। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए अगर नहीं आता तो आप प्लीज़ YouTube पे किसी भी अदर चैनल को एक बार रेफ़र कर लीजिए बेसिक लर्न करने के लिए, फिर आप इस पे कंटिन्यू कर सकते हैं ईजीली। सो फर्स्ट यहाँ मैंने एक फ़ोटो ली है एज अ बैकग्राउंड। वो ये फ़ोटो मेरे फ्रेंड ने क्लिक करी थी, ऋतिक ने। फिर मैंने इस पे जस्ट थोड़ी एडिशन इफेक्ट डालने की कोशिश करी थी, लाइक कैलोप। मेरे को नहीं पता था इतना अच्छा आउटपुट भी आएगा और लोगों का रिस्पॉन्स भी आएगा कि इसके लिए ट्यूटोरियल बनाने का। तो जस्ट मैंने इसे डाल दिया। अब ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ, देखिए आप कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। मैं इसके लिए एम करता हूँ 50 लाइक्स के लिए। अगर हो जाते हैं तो मैं क्लॉप के और भी ट्यूटोरियल्स डालता रहूँगा। अगर नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं यार, मैं इन फ्यूचर और भी डालूँगा, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो भी देख सकते हैं अभी। सबसे पहले यहाँ मेरे को माइंड में रखना है कि एक फ़ोटो ग्लो कब होती है, जब उसके उसमें डार्क पार्ट्स हो और लाइट पार्ट हो। लेकिन इस फोटो में सारी जगह लाइट पार्ट ही है, डार्क पार्ट्स ज़्यादा है नहीं। तो मुझे ये क्रिएट करना पड़ेगा अपने ऑन वे में। तो यहाँ मैं एक्सपोजर में जाता हूँ और थोड़ा एक्सपोजर डाउन कर देता हूँ। ये रिसेटिंग्स आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद एक्सपोजर को मैं दोबारा कम करता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद उसे मास्क आउट कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये मास्क आप देख सकते हैं, जस्ट ब्रश लिया मैंने और यहाँ से मास्किंग स्टार्ट करी ब्लैक पे पेंट करके। ये यहाँ से एक्स दबाएंगे आप, ये चेंज हो जाएगा और फिर पेंट कर दीजिएगा इस लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने जस्ट ब्लैक कलर को दोबारा से करा और उसका मास्क बना दिया। मैंने उसी नीचे नीचे से गया, बैकग्राउंड की कॉपी बनाई और उसको मास्क आउट कर दिया यहाँ पे सही से, कि ये जो अंदर के इस पता नहीं क्या बोलते हैं बड्स पार्ट जो भी है ग्लोइंग पार्ट बनाने के लिए, मैंने ये सेलेक्ट आउट कर लिया, मास्क आउट कर लिया अच्छे से और फिर जस्ट मैंने यहीं रख दिया। उसके बाद फिर मैंने कर्व्स अप्लाई करे। कर्व से मैंने लीफ में ग्लो दिया थोड़ा धीरे धीरे, ब्रश से सडल, एकदम से भी एनहेंस मत कर दिए। ये कर्व देखिए आप ऐसे था, और फिर जस्ट ऐसे दिखा देता हूँ मैं, ये ज़्यादा ही ग्लो था, फिर इसे कम करा था मैंने ऐसे। फिर उसके बाद मैंने येलो पेंट करा था हल्का सा, बहुत ही लाइट, कि ये इसकी टोन को मैच कर जाए बस। और फिर उसका ब्लेंड मोड कलर चेंज करा था और अंडरलाइन लेयर मैंने थोड़ी सी चेंज करी थी हल्की से। फिर उसके बाद मैंने एक येलो पेंट करा कि एज अ एमिटर काम करे जो सेंटर पार्ट है। और फिर उसके बाद मैं इसे कैमरा रॉ फिल्टर में लेके गया था ऐसे, और फिर जस्ट मैंने कलर करेक्शन करी थी। आप अपने वे में कर सकते हैं, क्योंकि कैमरा रॉ फिल्टर में जाने के बाद आपकी फ़ोटो कैसी दिखेगी कैसी नहीं दिखेगी ये तो भाई आप ही जान सकते हैं, क्योंकि आप उस टाइम पे वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे लट्स होते हैं, आप लट्स की तरफ मत जाइएगा, आप खुद की क्रिएशन रखिएगा, खुद की क्रिएशन आपके लिए बेस्ट रहेगी। और फिर उसके बाद मैंने इसी में एक्सपोजर एडजस्ट करा था थोड़ा सा, एक्सपोजर से थोड़ा ग्लो मिल गया मेरे को वापस से फ़ोटो का जो थी पहले से। अब मैं उसी ग्लो में थोड़ा सा और एक्सपोजर एडअप करने लगा सेंटर में, कि जब कोई चीज़ ग्लो होती है तो उसके सेंटर पार्ट में या उसी के एरिया में ग्लो ज़्यादा रहता है और साइड साइड में कम होता जाता रहता है। तो एक ये चेंजिंग एनवायरनमेंट टाइप से हो जाता है। और फिर उसके बाद जस्ट मैंने एक स्टैम्प लेयर बनाई थी और फिर ग्रेडियंट मैप डाला था। ग्रेडियंट मैप से यहाँ ये फ़ोटो में जान आ गई थी और ये बहुत अच्छी लगने लगी थी ये फ़ोटो। हाँ, यहाँ आप ग्रेडियंट मैप आएंगे और आप ये ग्रेडियंट मैप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कलर कोड देख लीजिएगा जो भी आपको चाहिए होगा, इसका भी कलर कोड दिखा दे रहा हूँ मैं। यहाँ है ये कलर कोड, और उसके बाद आप पेस्ट करके ऐसे ही बना सकते हैं। और ये ग्रेडियंट टूल है, जस्ट यहाँ से यहाँ तक स्वाइप करिएगा और फिर उसके बाद उसे मास्क आउट अच्छे से कर लीजिएगा, नहीं तो ये एक्सेस है ऐसा आपको दिख सकता है। फिर मैंने एक्सेस नहीं करा था। उसके बाद फिर सेलेक्टिव कलर्स में मैंने थोड़ा सा ब्लैक दिया था, यहाँ ये न्यूट्रल्स में थोड़ा सा ब्लैक एनहेंस करा था। और फिर उसके बाद जस्ट मैंने
कैमरा रॉ फिल्टर में लेके आ गया, और शार्पनेस और थोड़ी शेडो बैलेंस करी है अच्छे से कि मेरे को एक रफ आउटपुट अच्छा सा मिल जाए। और फिर उसके बाद मैंने ये स्पार्क्स निकाले हैं नेट से, ये मैंने एक वीडियो में देखे थे, वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट कर लिए थे। और जस्ट ये देखा, ये दिख जाएगा यहाँ पे, बस मैंने उसे हल्का सा मास्क कर दिया कि वो फेड आउट लगे और ऐसा लगे कि वो इसमें से आ रहे हैं निकल के, फ्लावर्स में से। और फिर उसके बाद एंड में शार्पनेस डाली मैंने, और दिस इज़ रेडी फॉर इंस्टाग्राम। सो ये ट्यूटोरियल एक्सप्लेनेशन था कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसकी PhD चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन ज़रूर करिए, और मैं इसकी PhD तब दूंगा जब मेरी वीडियो पे 50 लाइक्स होंगे, नहीं तो मैं ये PhD शेयर भी नहीं करूँगा। सो थैंक यू गाइज इस ट्यूटोरियल को यहाँ देखने के लिए, और होप आपका डे भी अच्छा जाए, और कीप फोटोशॉपिंग एंड कीप लविंग।